कल हमारे जो जमींदार भाई है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें चलो कि नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम के अलावा भी यहाँ पर जो इस वक्त में मशहूर डेवलपमेंट ऑफिसर अनंतनाग हूँ, हमारा लगभग जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा चाहिए मशरूम एक साल के लिए वो है लगभग 300 टन हमें चाहिए, लेकिन हम उगा रहे हैं इस वक्त इस डिस्ट्रिक्ट में 3 टन से भी कम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन और इस वक्त हम जिला अनंतनाग के तहसील मटन में मौजूद है। व्हाइट बटर मशरूम जो की काफी पसंद किया जाता है वादी कश्मीर में और न सिर्फ कश्मीर में बल्कि आउटसाइड कश्मीर में जम्मू कश्मीर में भी इसकी डिमांड एंड सप्लाई कभी भी किसी भी मौसम में कम नहीं होती है। वहीं ये खुशखबरी है उन नौजवानों के लिए जो कि घर बैठे बेरोजगार नौजवान हैं या खवातीन हैं जो किसी भी काम के साथ वाबस्ता नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मशरूम कल्टीवेशन के हवाले से गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी हुई है कि जिसमें वो मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं और माहाना 30,000 से 40,000 कमा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए हम बात करेंगे मिस्टर शौकत हुसैन से जो कि मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर है। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू शौकत साहब, हम जानना चाहेंगे कैसे क्या प्रोसेस रहता है जो ये मशरूम कल्टीवेशन है, इसकी प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे। जो हमारा टारगेट ग्रुप होता है इसमें एक तो अनएम्प्लॉयड यूथ होता है, वुमेन फोक होता है और वो लोग जो अपने स्पेयर टाइम में इस कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है इसमें। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हमारे 3-4 चीज़ें हैं जो जिसमें वो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमारा जो है कंपोस्ट मेकिंग यूनिट है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक इस टाइम तक हमारे कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपोस्ट मेकिंग यूनिट नहीं है और जो भी कंपोस्ट यूज़ होता है मशरूम में वो सारा बाहर से आता है, चाहे जम्मू से आता हो हिमाचल से आता हो सारा बाहर है बाहर से आता है। कि उसमें क्या है कि हमारे जो यूनिट कास्ट होता है उसमें वो तो 50 लाख है और डिपार्टमेंट उसमें 30% सब्सिडी दे रहे हैं और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मशरूम में चाहिए हमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए, उसके लिए क्या है कि प्रोविजन होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या है कि हमने कंट्रोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम्स रखे हैं कि वो क्या है कि थ्रू आउट ईयर हम मशरूम कल्टिवेट उसमें कर सकते हैं। उसका भी यूनिट कास्ट हमारे 20 लाख है और 40% उसमें सब्सिडी है। तीसरी चीज़ें जो हमारे डिपार्टमेंट के पास है वो है हमारे जो छोटे लेवल पे करना चाहते हो 300-400 बैग्स पर जो करना चाहते हो मशरूम कर उनके लिए मशरूम शेड्स हैं हमारे पास जिसका यूनिट कास्ट हमारा 3 लाख होता है और 50% उसमें सब्सिडी है। उसके बाद अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग या हमारे पास जो बैग्स कंपोस्ट बैग्स है उनके लिए भी 50% सब्सिडी उनमें भी दे रहे हैं हम। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में सोलर ड्रायर्स हो गए हमारे जो पिकल्स बाकी कैनिंग यूनिट्स वो भी हमारे पास। अगर कोई मशरूम में कैनिंग करना चाहते हो कि आपको पता है हमारे जो हमारे लोग हैं उनको पता है कि हम कितना कैनिंग मशरूम इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर में। शौकत साहब, जैसे कि आपने बोला कि जो इसमें जो कंपोस्ट यूज होता है वो आप बाहर से मंगवाते हैं जी, तो उसमें क्या चीज उसमें इस्तेमाल होती है जो आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है जो कश्मीर में अभी भी प्रोड्यूस नहीं होता? देखिए ये बात नहीं कि प्रोड्यूस नहीं होता कि हमारा एक है लाल मंडी के लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं। उसमें जो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सिट्रा, पैडी सिट्रा, वीट सिट्रा यूज होता है और बाकी जो इनपुट से वो बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। कहने का मतलब है कि इतना स्कोप है कि कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ है इसमें जाके अपना एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छी तरह कमा सकता है। और उसमें क्या है कि इसमें एक प्रोसेस होता है कि ये पॉस्चराइज्ड होने चाहिए। देखिए हम एक फंगस ग्रो कर रहे हैं उसमें कि एक पर्टिकुलर फंगस ही ग्रो होना चाहिए, उसमें क्या होता है कि बाहर का फंगस ग्रो नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पर भी बनाते थे लेकिन उसके बोलते हैं लॉन्ग मेथड, सिर्फ सिंपली आउटडोर में बनाते हैं जिसमें हमें एक तो टाइम ज़्यादा लग जाता है और पास्टुराइजेशन नहीं होता है कि उसमें ये ज़्यादा खतरा होता है कि कोई और फंगस लग जाए कि, लेकिन जो इस वक्त कंपोस्ट यूज होता है वो सिर्फ पास्टुराइज्ड कंपोस्ट यूज होता है और जिसके लिए सिर्फ हमें क्या है कि बाहर से डिपेंडेंट होना है कि जो हमारे IMDC में है गवर्नमेंट लेवल पर एक कंपोस्ट मेकिंग यूनिट है लेकिन वो कैटर सारे जो पूरी वैली है उसकी नीड्स कैटर नहीं कर सकता है। इसलिए हमें है कि इसीलिए आज तक जो है कि मैं बोल रहा हूँ कि बन नहीं पाया ये कंपोस्ट मेकिंग है। उसके अलावा जो हमारे पास है कैनिंग, आपको पता है कैनिंग में कितना मशरूम आ रहा है, कैनिंग मशरूम
कितने लोग यूज, चाहे हमारी शादी हो, कोई अच्छी फंक्शन हो, तो कितना कैंडिड मशरूम यूज होता है उसमें। और उसके अलावा जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग्स होते हैं वो चलते ही रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। इसमें सिंपल एक इन सब चीज़ों का प्रोसेस जो है कि अप्लाई करने का वो ये होता है कि HADP में जाएगा फॉर्मर, उसने वहाँ पर रजिस्टर अपने आप को करना है, कि फिर OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन होती है, कि लॉग इन करना है, कि फिर उसमें क्या करना है कि सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें। एक तो एक लैंडलेस फॉर्मिंग है जो हम उसको प्रोजेक्ट बनाने, उसमें लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए, जो हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल कंपोस्ट बैग चाहिए जो उसको रूम में लगाने हैं, सोलर ड्रायर चाहिए जिसके लिए हमारे कोई रेवेन्यू डॉक्यूमेंट उसका नहीं चाहिए। मजीद इस स्कीम के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है CAO ऑफ अनंतनाग मिस्टर एजाज हुसैन डार। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इनसे। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। शुक्रिया आपका। तो एजाज साहब हम जानना चाहेंगे कि जो ये स्कीम है इसके बारे में आप प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन दे दें कि ये स्कीम बेसिकली है क्या। देखिए बिल्कुल जैसा कि आप फील्ड में भी गई तो मैं कहूँगा कि मशरूम जो हमारा है इट्स कॉल्ड एज पोर मैन्स फूड मीट। जैसा कि आपने फील्ड में भी देखा, आपने बहुत सारी यूनिट्स में जो आपने रिकॉर्डिंग भी की है, कुछ कमेंट्स जो है बेनिफिशरी से वो भी लिए है। खुसूसन आपने देखा होगा फील्ड में ज़्यादातर हमारी जो लेडीज फोक है वो इससे ज़्यादा मुंसलिक है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जहाँ तक ताल्लुक है हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होती है हमारी वो होती है टू इनक्रीज द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड टू इनक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स, उनकी लाइवलीहुड के लिए कैसे हम उनके लिए वो वसाइल मुहैया रखें जहाँ से वो 2 रुपया 10 रुपया कमा सके और अपने घर के लिए इनकम में इनक्रीज कर पाएंगे। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जो स्कीम है वो हमारी मशरूम कल्टीवेशन है, क्योंकि ये घर के 4 दीवारी के अंदर ही होती है तो लेडीज़ को जो है वो ज़्यादा बाहर मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। मशरूम की जहाँ तक बात करूँ, अगर मैं इसकी स्कीम्स के बारे में आपको पूछूँ तो हमारा, चूँकि आपको मालूम ही होगा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट इस पर है जिसको हम प्रमोशन ऑफ मशरूम कल्टीवेशन इन कश्मीर कहते हैं। तो इसमें हम चूंकि दूसरा भी एक हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हम चाहते हैं कि ज़मींदार जो हमारा एक है वो ऐसे भी ज़मींदार हमारे पास है जिनको हम लैंडलेस फार्मर्स कहेंगे, तो उनके पास वो उतनी खेत खलियान नहीं है जहाँ से वो अपने रोज़गार के वसाइल हासिल कर पाएँ, उनके लिए बेस्ट है यही लैंडलेस एग्रीकल्चर जिसको हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं। घर में 12x12 या 20x12 का हाल होगा, छोटा सा होगा, उसमें वो अपनी महीने का खर्चा, जो घर का खर्चा है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसमें चूंकि देखिए एक हमारा इसमें ये प्रोविजन रहता है कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तर्ज पे हम जो हमारे बेनिफिशरीज हैं मोस्ट प्रोबेबली उन बेनिफिशरीज को जिनको हम पहले ट्रेन करते हैं अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर में, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं कि वो कैसी मशरूम की कल्टीवेशन करें, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हुई है उनको हम कुछ बैग्स अंडर प्रमोशन ऑफ दिस मशरूम कल्टीवेशन। और इंटीग्रेटेड फार्मर भी अगर कोई होगा जिसकी कोई वेजिटेबल कल्टीवेशन भी होगी, उसकी पैडी कल्टीवेशन भी होगी, छोटा सा आर्चर भी होगा, एक गाय भी घर में होगी, उसको हम उर्फिया में इंटीग्रेटेड फार्मर कहते हैं, जो सारे जो एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ कर लेता है। और साथ साथ में हम उसको चूँकि विंटर में हमारा डारमेंट सीजन रहता है उसको हम कह रहे हैं कि इस सिलेक्ट सीजन में आप मशरूम कल्टीवेशन के। एजाज साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है या जो घर बैठे लोग हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट करे किसी भी चीज में, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो चाहते हैं कि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करे तो इसके लिए वो कैसे वो स्टार्ट करे, उसमें कितना उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए जैसा कि आपने फरमाया, अगर आप कश्मीर के सिनेरियो को देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक्टिविटी है जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा भी मकसद होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही है। हम किसी को अगर कोई भी यूनिट दे पाते हैं उसका हमारा मकसद ये होता है कि हम इसको एज एन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर देखते हैं, ताकि वो वहाँ से अपनी इनकम और अपनी दूसरे चाहे रिश्तेदार होगा दोस्त होगा उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज वो जनरेट कर पाएगा।
तो अजय साहब आप हमें बताइए कि कितने यूनिट्स अभी चल रहे हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। देखिए हमारी चूंकि डिफरेंट स्कीम्स होती हैं उसमें एक मैं आपको कहूँ कि जैसे मैंने जिक्र पहले आपसे किया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, उसमें हमारे 1500 के करीब जो यूनिट्स हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। दूसरा है हमारा जिसको हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टराइज्ड कंपोस्ट बैग्स अमंग बेनिफिशरीज, उसमें भी 2000 जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। उसके अलावा जितने भी एंटरप्रेनर्स हमारे थे जिन्होंने पहले हमसे डेमोनस्ट्रेशन प्लॉट्स लिए हैं पहले, उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन को अपने लिए रोज़गार का एक जरिया बनाया है और वो कंटिन्यूसली इस पेशे को अडॉप्ट किए हुए हैं। आपने शायद अगर देखा होगा फील्ड में बीजगाड़ा में एक हमारा यंग यूथ है जिसने 1000 बैग्स के करीब अपना जो बड़ा सा यूनिट है वो एस्टेब्लिश वहाँ किया है। वहाँ भी अगर मैं बात करूँ कि इन यूनिट्स की जो करीबन 3500 के करीब है, एक आदमी को कम से कम रोज़गार मिलता है जो उसकी कल्टीवेशन करता है। उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि जब ये ही मशरूम मार्केट में जाते हैं जहाँ से इसकी मार्केटिंग हो जाती है, ये बिल्कुल वो भी करीबन 600-700 जो स्पॉट्स है जहाँ पे खरीदते हैं लोग मार्केट में, ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो मामूली एक ही सेक्टर में करीबन 3000-4000 के करीब लोग जो है इसके इस पेशे से मुंसलिक हुए जहाँ से वो अपनी जो इनकम है थोड़ी सी उसमें वो मेन इनकम में ऐड कर रहे हैं। सर आप बताइए करंटली कितने जो यूनिट्स हैं वो रन कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली अभी एक्टिव है ऑन ग्राउंड वो कितनी है, उसकी कितनी तादाद है? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इस साल हमने करीबन 3500 के करीब यूनिट्स जो है हम डिफरेंट बेनिफिशरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए कंपोस्ट बैग्स। उसके अलावा हमारा एक सिरहामा में क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड मशरूम यूनिट है जो थ्रॉट ईयर जिसकी मशरूम कल्टीवेशन होती रहती है, और इसके अलावा 287 ऐसे एंटरप्रेनर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने इस मशरूम कल्टीवेशन को अपने लिए इनकम जनरेशन का एक यूनिट एज एन एग्रीकल्चर एंटरप्रेनर एस्टेब्लिश किया हुआ है और वो इस पेशे के साथ पूरी तरह से मुंसलिक हो चुके हैं। जहाँ पे चूंकि उनके छोटे यूनिट्स नहीं होते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, जहाँ पे उनके 1-2 जो मुलाजमीन है वो कंटिन्यूसली वहाँ काम भी करते हैं। अजय साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इतने यूनिट्स अभी कायम है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उसके बावजूद भी मशरूम की डिमांड के लिए हमें बाहर से मशरूम मंगवाने पड़ते हैं, इसकी क्या वजूहत? जितने भी यूनिट्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है उनकी जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हैं जितनी हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर 800 ग्राम के हिसाब से पर हाउस होल्ड हमारी हम अपनी डिश में पर वीक हम शामिल करेंगे तो 17.50 यानी कि 1750 क्विंटल जो मशरूम की ज़रूरत है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है, करीबन 400-500 क्विंटल के करीब जो है वो अवेलेबल है हमारी। चूँकि डिमांड लोगों की ज़्यादा है इसलिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे उतने यूनिट ज़्यादा नहीं है कि हम कोपअप कर पा रहे हैं उस डिमांड को जो लोगों की तरफ से है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो मशरूम कल्टीवेशन के अलावा जो स्कीम है इसके अलावा भी हम कुछ और कल्टीवेट कर सकते हैं क्या, गवर्नमेंट की तरफ से और भी कुछ स्कीमें हैं ऐसी, जैसे कि बहुत सारी ऐसे स्ट्रॉबेरीज है या कोई किवी है, क्या हम उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम है जिससे हम वो कल्टीवेट कर सकें? हमने 1500 ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया है इन द फर्स्ट फेज जिनको हम इंटीग्रेटेड फार्मर्स बोल रहे हैं। मशरूम कल्टीवेशन के साथ साथ अगर कोई किचन गार्डन में स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स लगा दी, छोटी सी नर्सरी वो बना दे, इवन जो हमारे हाई टेक पॉली हाउसेज हैं वो उनको दे दे एक कनाल के ज़मीन पे, उसके साथ साथ छोटा सा बैकयार्ड नर्सरी जो है, बैकयार्ड पोल्ट्री जो है, यहाँ बैकयार्ड शीप रियरिंग है, अपनी ज़रूरियात के लिए एक गाय रखेंगे उसी को हम इंटीग्रेटेड फार्मर कहते हैं। और ये स्कीम बिल्कुल अवेलेबल है जहाँ से ये तमाम जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से अलाइड सेक्टर्स है, हमने ये पूरा लिस्ट आपस में शेयर किया हुआ है और उन ज़मींदारों तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ के पास पहुंच भी जा चुके हैं जहां हमने ये सारी एक्टिविटीज जो एक जमींदार को दी हुई है जहां से वो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कैसे मशरूम कल्टीवेशन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, खवातीन और मर्द दोनों इससे वाबस्ता हो सकते हैं और अपना गुड अर्निंग कमा सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।